की बड़ी खबर, हमीरपुर में ब्लॉक प्रमुख की जंग शुरू, वोटिंग के लिए जा रहे सपाइयों की गाड़ी पर हमला, भाजपाइयों ने जमकर मचाया बवाल, हमले में कई लोग हुए घायल। बड़ी खबर, जिसका डर था वही हुआ, एक बार फिर बवाल की स्थिति, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज मतदान के समय भी पैदा हो गई, तस्वीरें देख सकते हैं आप। सुपेरपुर विकासखंड कार्यालय का मामला, ब्लॉक प्रमुख की जंग शुरू। इस खबर पर ब्रिजेश ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? जिस चीज का डर था वही हुआ, एक बार फिर बवाल की स्थिति पैदा हो गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी मामला जो है हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कार्यालय का है। यहाँ पर जो है जैसे ही आज सुबह 11 बजे से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ था, इस दौरान जैसे ही सपाइयों की गाड़ी ब्लॉक के पास जा रही थी, इसी दरमियान पहले से मौजूद लाठी डंडों से लैस भाजपाइयों ने सपा की गाड़ी में हमला कर दिया, जिससे कई लोग लहूलुहान हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने बड़का बवाल देकर हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके भाजपाइयों को खदेड़ कर जो है जी। ब्रिजेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है, लेकिन हमीरपुर में ये फिर एक बार फिर बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सपाइयों की गाड़ी पर हमला किया गया है। इस तरह का आरोप लग रहा है कि भाजपाइयों के द्वारा, यानी कि भाजपा सरकार के प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा ये किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। दबंगों की दबंगई से लोग परेशान, 12 साल के मासूम को दबंगों ने मारा चाकू, दबंगों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाहबाद कोतवाली के मोहल्ला खेड़े की ये घटना है, जहां 10 साल के मासूम को दबंगों ने चाकू मार दिया। इस खबर पर गुलफाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलफाम, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? 10 साल के बच्चे पर चाकू से हमला किया गया है, क्यों? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये ताजा मामला हरदोई कोतवाली की, हरदोई शहर के कोतवाली शाहबाद का है, जहां पर एक 12 साल के मासूम बच्चे के ऊपर दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए उसको चाकू से वार कर दिया। आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में योगी जी, सीएम योगी जिस तरीके से गुंडों के ऊपर लगातार जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही देखते हुए आपको बता दूं किस तरीके से जैसे भी हरदोई शहर के जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी पुलिस है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक सवालिया निशान है, किस तरीके से एक मासूम बच्चे के ऊपर दबंगई दिखाई जा रही, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन जो है बेलगाम हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो योगी जी, सीएम योगी की जो आदेश है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 8 साल के बच्चे के ऊपर दबंगों की दबंगई, हरदोई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अवैध रूप से संचालित बसों पर कार्रवाई, सवारियों को लेकर रवाना हो रही थी डग्गा मार बस, कमता तिराहे के पास बसों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। 3 बस चौकी इंजार संदीप मिश्रा, हेड कांस्टेबल सचिन तिवारी मौके पर पहुंचे। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दग्गा मार बसों पर कार्रवाई की गई है, संचालित बसों पर कार्रवाई, सवारियों के लेकर रवाना हो रही थी बस, इसी कमता तिराहे के पास बसों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 बस समेत एक ट्रैवलर को गिरफ्तार किया है। वहीं अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों का आतंक, दबंगों ने गरीब परिवार को दी धमकी, गरीब के घर की दीवार को दबंगों ने गिराया, दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी सूचना। पुरवारा गांव का है ये पूरा मामला, जहां दबंगों के द्वारा एक गरीब परिवार की छत ढहा दी गई, तो गरीब परिवार को धमकी भी दी गई है। वही अगली बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। ब्लॉक प्रमुख पद पर मतदान शुरू, मतदान के बाद होगी मतगणना, 3 बजे तक चलेगी मतदान,
16 ब्लॉकों में मतदान के बाद होगी मतगणना। तो जौनपुर से बड़ी खबर, 5 ब्लॉक प्रमुख पहले ही चुन चुके हैं निर्विरोध। जिले में कुल 21 ब्लॉक, तो ब्लॉक प्रमुख पद पर मतदान शुरू हो चुका है। जौनपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मतदान के बाद मतगणना होगी। 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद मतगणना की जाएगी 16 ब्लॉकों पर, क्योंकि 5 पर पहले ही निर्विरोध BDC चुन लिए गए हैं।